नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या बनाऊँगी। मैं बनाऊँगी कातला माछर कालिया। इस फिश को बंगाली में कातला माछ कहा जाता है। मुझे पता नहीं हिंदी में इसे क्या कहते हैं, शायद इसे रूहू फिश कहा जाता है। तो पहले मैं इस फिश को अच्छे से फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से। मैंने इस फिश को मैरिनेट किया है थोड़ा सा हल्दी, नमक और नींबू के रस से। नींबू का रस मैं इसलिए ऐड करती हूँ जिससे कि फिश में जो बैड स्मेल होता है वो दूर हो जाए, इसलिए मैं इसमें नींबू का रस ऐड करती हूँ। और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए दोनों तरफ से। तो पहले मैं इसे फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसके ग्रेवी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर जो फिश है वो बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टमाटर, एक प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ये यूज़ किया है। और फिर मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल मैं ज़्यादातर खाने में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मस्टर्ड ऑयल से टेस्ट जो है वो और ज़्यादा आता है। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल और करीबन एक चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा ऐड किया है। और जो हमने पेस्ट पहले तैयार किया था उस पेस्ट को मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक कि ये अच्छे से फ्राई ना हो और इसके कच्चापन दूर ना हो तब तक हमें इसे मसाले को फ्राई करते रहना है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम जो सूखे मसाले हैं वो थोड़ा ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं दूंगी, बहुत कम मसाले से मैं बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक और करीबन एक चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी और एक चम्मच ज़ीरा पाउडर। उसके बाद मैं इन मसालों को भी अच्छे से फ्राई करूँगी। मसाले को अच्छे से फ्राई करना होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी दूंगी। पानी देके फिर हमें इस मसाले को अच्छे से और अच्छे से भूनना होगा, बहुत ही थोड़ा सा। अब मैं इसे और भी अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूंगी जब तक कि इसका तेल जो है वो अलग नहीं होता मसाले से, तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। देखिए मैं मसाले को बहुत अच्छे से भून लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप देख सको। तो मैंने यहाँ पर जो मसाले हैं वो मेरा एक बार भून चुका है। फिर मैंने सेकेंड टाइम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ऐड करने के बाद मैं इसे और अच्छे से भूनूंगी। इस तरीके से मुझे तीन बार ये करना होगा कि थोड़ा थोड़ा पानी हमको ऐड करना है और मसाले को हम फ्राई करते रहेंगे जिससे कि मसाले जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ही हट जाए। अब मैं इसे क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी थोड़ा सा दिया है और इसे मैं ढक के रखूँगी कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने ढक के रखा था मसाले को। उसके बाद में ढक्कन निकाल के मुझे फिर से इसे हाई फ्लेम में मसाले को अच्छे से फ्राई करना होगा और ये फ्राई करते करते बिल्कुल ही मतलब ड्राई हो जाएगा ये मसाला। देखिए मसाला जो है बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जब मसाले इस तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद जो है हम ये फाइनली ऐड करेंगे हम वाटर। इसके बाद हम पानी और यूज़ नहीं करेंगे। इस पानी को हम थोड़ा सा करीबन एक कप पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद जो हमने फिश फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिश को ऐड करने के बाद इसे फिर से हमें ढकना होगा करीबन 5 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से ढक दीजिए जिससे कि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और ये जो ग्रेवी है वो भी ठीक हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए।
देखिए इसमें उबाल आ चुका है और मैं इसे अब ढक दूंगी। ढक के अब मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। और ये देखिए ग्रेवी जो है 5 से 6 मिनट के बाद ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैंने इसमें हरी मिर्च जो है मैंने स्लाइस कट करके मैंने इसमें दिया है। आप अपने अनुसार आप कितना तीखा खाते हैं उस अनुसार आप इसमें हरी मिर्च ऐड करोगे। उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल के कम से कम 1 मिनट के लिए मैंने फिर इसे ढक के रखा है। अब देखिए ये फिश जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें फाइनली मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज का मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।